गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सी एस आई आर बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, हम लोग बोलेंगे वोबल्स हाइपोथेसिस। ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक को इस कंप्लीट स्टडी करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो हम लोग बोलेंगे सी एस आई आर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वोबल्स हाइपोथेसिस क्या होता है। ठीक है, देखिए जब भी कभी ये टर्म आएगा ना वोबल, जब भी ये टर्म आएगा वोबल, वोबल का मतलब होता है, याद रखना है, वीक। ठीक है, वोबल का मतलब का तो हम लोग बोलेंगे वीक, या हिंदी में हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोलेंगे वोबलिंग का मतलब होता है डगमगा जाना या लड़खड़ा जाना। तो वोबलिंग हाइपोथेसिस याद रखना है किससे रिलेटेड होगा, वोबलिंग हाइपोथेसिस या वोबल्स हाइपोथेसिस हम लोग बोलेंगे वीक बेस पेयरिंग से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिलेटेड होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि ये जो हाइपोथेसिस है, ये हाइपोथेसिस क्या बोलता है। तो हम लोग बोलेंगे ये हाइपोथेसिस ये बोलता है कि हमेशा हम लोग बोलेंगे जो टीआरएनए का जो एंटीकोडोन होता है उसका जो पहला बेस होता है, ठीक है, टीआरएनए का एंटीकोडोन का जो पहला बेस होता है नाइट्रोजिनस बेस, और हम लोग बोलेंगे एमआरएनए का कोडोन का जो थर्ड बेस होता है उसके बीच में हमेशा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वीक बेस पेयरिंग होगा, या हम लोग बोलेंगे वोबलिंग होगा, या हम लोग बोलेंगे नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, वोबल्स हाइपोथेसिस। बताने का मतलब क्या हो गया, बताने का मतलब ये हो गया कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बोलेंगे, अगर हम लोग टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे, आप लोग खुद जानते भी हैं, ठीक है, तो टीआरएनए का अगर स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कैसा होता है, तो हम लोग बोलेंगे ये कैसा होता है, एक तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक तरफ 5' एंड होगा, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे एक तरफ क्या होगा, एक तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 3' एंड होगा। ठीक है, और एक आर्म होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, या एक लूप होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी कोडोन लूप। क्या बोलेंगे, एंटी कोडोन लूप। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, और ये एंटी कोडोन लूप जो होगा उसमें हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 3 नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होगा। कितना होगा, 3 नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होगा। ये स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का, मैं समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, और अगर हम लोग एमआरएनए को देखेंगे, एमआरएनए को देखेंगे तो एमआरएनए में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एमआरएनए में क्या होगा, क्या होगा एमआरएनए, हम बोलेंगे कोडोन्स प्रेजेंट होगा, ऐसे करके ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीरीज है। ठीक है, ये क्या है, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीरीज, ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे 1 कोडोन, ये भी क्या हो गया, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीरीज, ये भी क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे सेकंड कोडोन, ये भी क्या हो गया, थर्ड कोडोन, ऐसे करके, क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड का क्या है, सीरीज है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि जब भी कभी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, या हम लोग बोलेंगे जब भी कभी ट्रांसलेशन होता है, तो हम लोग बोलेंगे कोडोन और एंटी को सॉरी टीआरएनए का एंटी कोडोन और एमआरएनए का कोडोन के बीच में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, मैचिंग होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो टीआरएनए का एंटी कोडोन रहता है वो एमआरएनए का कोडोन के मैसेज को रीड करता है, तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि वोबल्स हाइपोथेसिस या वोबलिंग कहाँ पर होगा, तो वोबलिंग हम लोग बोलेंगे कहाँ पर होगा, टीआरएनए का, देखो टीआरएनए का क्या चीज है, ये एंटी कोडोन लूप है ना, ठीक है, या एंटी कोडोन में फर्स्ट जो नाइट्रोजिनस बेस है, फर्स्ट जो नाइट्रोजिनस बेस या फर्स्ट बेस है, और हम लोग बोलेंगे एमआरएनए का जो कोडोन का जो हम लोग बोलेंगे थर्ड बेस है, इसके बीच में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वीक बेस पेयरिंग होगा। इसी को क्या बोलते हैं, वोबल्स हाइपोथेसिस। ठीक है, तो अभी इस डायग्राम को मैं मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ, केवल मैं एंटी कोडोन को दिखाता हूँ, और केवल हम लोग बोलेंगे एंटी कोडोन ऑफ टीआरएनए को दिखाता हूँ, और हम लोग बोलेंगे कोडोन ऑफ एमआरएनए को दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ कि ये वोबल्स हाइपोथेसिस क्या है, बहुत ईजी है। देखिए देखिए, और एक चीज यहाँ पर बताना है कि जब भी कभी हम लोग बोलेंगे एमआरएनए, जब भी कभी कोई सा भी आरएनए बने, ठीक है, जब भी कभी कोई सा भी आरएनए बने, चाहे वो हम लोग बोलेंगे एमआरएनए रहे, चाहे वो टीआरएनए रहे, चाहे वो आरआरएनए रहे, हमेशा आरएनए का सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होगा, 5' टू 3' डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग आरएनए में जो भी हम लोग बोलेंगे कोडोन्स रहेगा, चाहे एंटी कोडोन्स रहेगा, उसको हम लोग हमेशा रीड करेंगे किस डायरेक्शन से, किस डायरेक्शन में, 5' से 3' डायरेक्शन में रीड करेंगे, उसको हमेशा याद रखना। चाहे कोई सा भी आरएनए रहे, उसमें जो भी कोडोन या एंटी कोडोन रहे, उसको हमेशा हम लोग बोलेंगे रीड किस डायरेक्शन में करेंगे, 5' टू 3' डायरेक्शन में रीड करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो आरएनए का सिंथेसिस होता है वो हम लोग बोलेंगे 5' टू 3' डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो यहाँ पर ACG है, यहाँ पर मान लो ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे कोडोन है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ACG को 5', ACG लिखेंगे 3', क्योंकि जो लिखने का तरीका है वो हम लोग बोलेंगे किस डायरेक्शन में होगा, 5' टू 3' डायरेक्शन में ही होगा, चाहे वो हम लोग बोलेंगे कोडोन रहे, चाहे वो एंटी कोडोन क्यों ना रहे। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग बोलेंगे ये वोबल्स हाइपोथेसिस में जो टीआरएनए है ना, उसको मैं यहाँ पर मैग्नीफाई करके बना रहा हूँ। देखो ऐसे करके बना रहा हूँ, सिंपल ऐसे ऐसे करके बना रहा हूँ।
ये क्या चीज है, टीआरएनए है। एक तरफ क्या होगा टीआरएनए का, बिल्कुल 5 प्राइम एंड होगा क्योंकि आरएनए है, एक तरफ क्या होगा 3 प्राइम एंड होगा। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे एंटीकोडोन है। ये टीआरएनए का क्या चीज है, ये एंटीकोडोन है। ठीक है, ये टीआरएनए का एंटीकोडोन है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टीआरएनए, ये क्या चीज है, एंटीकोडोन। ठीक है, एंटीकोडोन में हम लोग बोलेंगे कितना नाइट्रोजनस बेस रहेगा, हम लोग बोलेंगे 3 नाइट्रोजनस बेस रहेगा। ठीक है, क्योंकि वुबल्स हाइपोथेसिस याद रखना है टीआरएनए का एंटीकोडोन से रिलेटेड होता है। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है, ये टीआरएनए का एंटीकोडोन किसके साथ मैच करता है, किसके साथ मैच करता है, तो हम लोग बोलेंगे किसके साथ मैच करता है, एमआरएनए का क्या चीज, कोडोन के साथ। तो ये मान लो एमआरएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर एमआरएनए में क्या होगा, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीरीज होगा। देखो 1 2 3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको कोडोन बोलेंगे। 3 न्यूक्लियोटाइड की सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोन बोलेंगे। फिर से इधर 1 2 3 3 न्यूक्लियोटाइड होगा, फिर से वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे कोडोन होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जब भी कभी हम लोग रीड करेंगे, ठीक है, चाहे वो टीआरएनए रहे, चाहे वो हम लोग बोलेंगे क्या चीज एमआरएनए रहे, हमेशा हम लोग रीड करेंगे कोडोन एंटीकोडोन को 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो अगर टीआरएनए का देखेंगे तो यहाँ पर 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में हम लोग रीड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग बोलेंगे फर्स्ट बेस हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये क्या चीज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे सेकेंड बेस हो जाएगा। ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे थर्ड बेस हो जाएगा। देखिए एंटीकोडोन का ये पहला बेस, ये दूसरा बेस, और ये हम लोग बोलेंगे तीसरा बेस। क्यों हम लोग इधर से पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो टीआरएनए का सिंथेसिस जो हुआ होगा वो किस डायरेक्शन में हुआ होगा, 5 प्राइम टू किस डायरेक्शन में हुआ होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हुआ होगा। इसीलिए इस तरफ क्या होगा, एंटीकोडोन का फर्स्ट नाइट्रोजिनस बेस होगा, सेकेंड नाइट्रोजिनस बेस होगा, और हम लोग बोलेंगे थर्ड नाइट्रोजिनस बेस होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग एमआरएनए को देखेंगे, देखो अगर हम लोग एमआरएनए को देखेंगे तो एमआरएनए में देखो एमआरएनए का क्या है, ये 5 प्राइम एंड है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम एंड है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजिनस बेस है। 3 नाइट्रोजिनस बेस मिलकर क्या बनाया, एक कोडोन बनाया। तो इसमें हम लोग रीड कैसे करेंगे कोडोन को, किस डायरेक्शन में करेंगे, 5 प्राइम टू 3 डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा पहला नाइट्रोजिनस बेस, ये क्या हो जाएगा एमआरएनए का दूसरा नाइट्रोजिनस बेस, ये क्या होगा हम लोग बोलेंगे एमआरएनए का तीसरा नाइट्रोजिनस बेस। समझ रहे हो ना, पहला दूसरा तीसरा, क्योंकि एमआरएनए का फॉर्मेशन ही किस डायरेक्शन में हुआ है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे पहला दूसरा तीसरा, क्योंकि टीआरएनए का जो एंटीकोडोन है उसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ ही तो रीड करेंगे। ये पहला नाइट्रोजिनस बेस, दूसरा नाइट्रोजिनस बेस, तीसरा नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, एंटीकोडोन का फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस ऑफ टीआरएनए, और हम लोग बोलेंगे एमआरएनए के कोडोन का फर्स्ट बेस, सेकंड बेस एंड थर्ड बेस। यहाँ पर फिर से क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके। ठीक है, तो अब देखो अब हम लोग बोलेंगे, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना, जब भी कभी प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो ये एंटीकोडोन मैच करेगा किसके साथ, हम लोग बोलेंगे एंटीकोडोन ऑफ टीआरएनए मैच करेगा किसके साथ, कोडोन ऑफ एमआरएनए के साथ मैच करेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर चूंकि जो पहला जो ये जो एंटी टीआरएनए का जो एंटीकोडोन का जो पहला बेस है, पहला जो बेस है वो याद रखना है कि एमआरएनए का कोडोन के थर्ड बेस के साथ हम लोग बोलेंगे क्या होगा, वीक बेस पेयरिंग करेगा। क्या करेगा, वीक बेस पेयरिंग करेगा। इसके इसके बीच में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वीक बेस पेयरिंग होगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, वुबल्स हाइपोथेसिस। क्या बोलेंगे इसको, वुबल्स हाइपोथेसिस बोलेंगे, या हम लोग बोलेंगे वुबल्स बेस पेयरिंग बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, वुबल्स बेस पेयरिंग बोलेंगे, या क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग। ठीक है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि हम लोग बोलेंगे टीआरएनए का एंटीकोडोन का पहला बेस एमआरएनए का कोडोन का थर्ड बेस के साथ क्या करेगा, क्या करेगा, वीक बेस पेयरिंग करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, वुबल्स हाइपोथेसिस, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वुबल्स बेस पेयरिंग, या क्या बोलेंगे, नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग। यही मैंने डेफिनेशन में लिखा है। देखिए यहाँ पर मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि वुबल्स हाइपोथेसिस ये बोलते हैं कि हमेशा हम लोग बोलेंगे वीक, या हम लोग बोल सकते हैं क्या होगा, वुबलिंग होगा या वीक बेस पेयरिंग होगा, किसके किसके बीच में, एंटीकोडोन का पहला बेस, एंटीकोडोन का पहला बेस ऑफ टीआरएनए, एंड हम लोग बोलेंगे थर्ड बेस ऑफ कोडोन ऑफ एमआरएनए। तो थर्ड बेस ऑफ कोडोन ऑफ क्या चीज, ये एमआरएनए है, इसके बीच में क्या होगा, हमेशा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, क्या होगा, हमेशा वीक बेस पेयरिंग होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं वुबल्स हाइपोथेसिस, या हम लोग बोलेंगे वुबल्स बेस पेयरिंग, या बोलेंगे नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग। हमेशा याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि इससे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीजेनरेशन ऑफ कोडोन होगा। तो ये डीजेनरेशन ऑफ कोडोन का क्या मतलब है, ये अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से,
लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर ये टीआरएनए का एंटीकोडोन का सेकेंड बेस और थर्ड बेस तो बच गया, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे एमआरएनए का कोडोन का पहला और दूसरा बेस तो बच गया। तो हमेशा याद रखना है कि हम लोग बोलेंगे टीआरएनए का सेकेंड बेस और थर्ड बेस और एमआरएनए का पहला और दूसरा बेस के बीच में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग होगा। क्या होगा? स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग होगा, या हम लोग बोलेंगे वाटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग होगा, ठीक है, या हम लोग क्या बोलेंगे नॉर्मल बेस पेयरिंग होगा, हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस पेयरिंग, स्ट्रॉन्ग बेस पेयरिंग भी बोलेंगे, ठीक है। ये स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग होता है किसके किसके बीच में, हम लोग बोलेंगे किसके किसके बीच में, एंटी कोडोन का दूसरा और तीसरा जो बेस है, और हम लोग बोलेंगे टीआरएनए का, और हम लोग बोलेंगे एमआरएनए का कोडोन का दूसरा और पहला जो बेस है उसके बीच में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग होगा, या वाटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग होगा, या हम लोग बोलेंगे नॉर्मल बेस पेयरिंग होगा, या हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस पेयरिंग होगा। इस चीज को हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो वोबल साइकोथेसिस समझ में आया क्या होता है? वोबल साइकोथेसिस ये बोलता है कि जो टीआरएनए का एंटी कोडोन का जो पहला बेस है, ठीक है, और एमआरएनए का कोडोन का जो तीसरा बेस है उसके बीच में हमेशा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वीक बेस पेयरिंग होगा, या वोबल्स बेस पेयरिंग हो, या उसको हम लोग क्या बोलेंगे नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, वोबल्स हाइपोथेसिस बोलते हैं। और बाकी जो बच गया, मतलब सेकेंड टीआरएनए का एंटीकोडोन का सेकेंड हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजिनस बेस, और थर्ड नाइट्रोजिनस बेस, और एमआरएनए का हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, पहला नाइट्रोजिनस बेस और दूसरा नाइट्रोजिनस बेस, इसके बीच में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हमेशा क्या होगा, स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग होगा, या वाटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग होगा, या नॉर्मल बेस पेयरिंग होगा, जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस पेयरिंग बोलेंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हम लोग बोलेंगे वोबल्स हाइपोथेसिस। और ये वोबल्स हाइपोथेसिस डीजेनरेसी ऑफ कोडोन में हेल्प करता है। तो ये डीजेनरेसी ऑफ कोडोन क्या होता है, ये अभी हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हम लोग बोलेंगे कि देखो, जैसे हम लोग ये जानते हैं ना कि नॉर्मल बेस पेयरिंग में क्या होता है, देखो नॉर्मल बेस पेयरिंग में क्या होता है, ये हम लोग बोलेंगे वाटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ए जो होता है वो किसके साथ पेयर करता है, हम लोग बोलेंगे यू के साथ पेयर करता है, अगर आरएनए होगा तो, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं यू किसके साथ पेयर करता है, ए के साथ पेयर करता है, अगर आरएनए होगा तो, ठीक है। ए किसके साथ पेयर करता है, हम लोग बोलेंगे किसके साथ पेयर करता है, टी के साथ पेयर करता है, अगर डीएनए हुआ तो। टी किसके साथ पेयर करेगा, हम लोग बोलेंगे ए के साथ पेयर करेगा, अगर डीएनए हुआ तो, ठीक है। उसी तरह हम लोग बोलेंगे सी किसके साथ पेयर करेगा, हम लोग बोलेंगे जी के साथ पेयर करेगा, ठीक है। जी किसके साथ पेयर करेगा, हम लोग बोलेंगे सी के साथ पेयर करेगा, ठीक है। तो ये सब जो पेयरिंग हो गया, बेस पेयरिंग हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, नॉर्मल बेस पेयरिंग। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बेस पेयरिंग, या क्या बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे वाटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग, वाटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग, या इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग। इस चीज को याद रखना है। तो ये यहाँ ये तो चूंकि डीएनए का बात है, अभी यहाँ पर आरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए के बारे में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये देखो, ये जो बेस पेयरिंग है, ठीक है, यही बेस पेयरिंग हम लोग बोलेंगे कहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा, हम लोग बोलेंगे सेकेंड एंड थर्ड ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एंटीकोडोन ऑफ टीआरएनए, एंड हम लोग बोलेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफ क्या चीज, कोडोन ऑफ एमआरएनए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग होगा। बस वीक बेस पेयरिंग क्या होगा, कहाँ पर होगा, हम लोग बोलेंगे टीआरएनए का एंटीकोडोन का फर्स्ट नाइट्रोजिनस बेस, और हम लोग बोलेंगे एमआरएनए का कोडोन का थर्ड जो नाइट्रोजिनस बेस है उसके बीच में वीक बेस पेयरिंग, या हम लोग बोलेंगे वोबल्स बेस पेयरिंग होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन आता है कि देखो यहाँ पर ध्यान से, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो पहला जो बेस है एंटीकोडोन का टीआरएनए का, इसमें क्या ये बेस हो सकता है, और हम लोग बोलेंगे कि एमआरएनए का जो कोडोन का जो तीसरा बेस है उसमें क्या हम लोग बोल सकते हैं नाइट्रोजिनस बेस आता है, जिसके बीच में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे वुबलिंग होता है, या हम लोग बोलेंगे वीक बेस पेयरिंग होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ये लेक्चर में, अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।